पर्यूषण क्या है जानिए। पर्यूषण का अर्थ है परि यानी चारों ओर से, उषण यानी धर्म की आराधना। श्वेतांबर और दिगंबर समाज के पर्यूषण पर्व भाद्रपद मास में मनाए जाते हैं। श्वेतांबर के व्रत समाप्त होने के बाद दिगंबर समाज के व्रत प्रारंभ होते हैं। यह पर्व महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है तथा मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोलता है। इस पर्वानुसार संपिक कय अपगणम पएणम अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। पर्यूषण के दो भाग हैं। पहला तीर्थंकरों की पूजा सेवा और स्मरण तथा दूसरा अनेक प्रकार के व्रतों के माध्यम से शारीरिक मानसिक एवं वाचिक तप में स्वयं को पूरी तरह समर्पित करना। इस दौरान बिना कुछ खाए और पिए निर्जला व्रत करते हैं। श्वेतांबर समाज 8 दिन तक पर्यूषण पर्व मनाते हैं जबकि दिगंबर 10 दिन तक मनाते हैं जिसे वे 10 लक्षण कहते हैं। ये 10 लक्षण हैं क्षमा मार्दव आर्णव सत्य संयम सोच तप त्याग अकिंचय एवं ब्रह्मचर्य। इन दिनों साधुओं के लिए 5 कर्तव्य बताए गए हैं। संवत्सरी प्रतिक्रमण केशलोचन तपश्चर्या आलोचना और क्षमा याचना। गृहस्थों के लिए भी शास्त्रों का श्रवण तप अभयदान सुपात्र दान ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ स्मारक का त्याग संघ की सेवा और क्षमा याचना आदि कर्तव्य कहे गए हैं। पर्यूषण पर्व के समापन पर विश्व मैत्री दिवस अर्थात संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। अंतिम दिन दिगंबर उत्तम क्षमा तो श्वेतांबर मिच्छामि दुक्कड़म कहते हुए लोगों से क्षमा मांगते हैं।